हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। और आज हम लोग जानेंगे रेगुलर बेल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस लॉस के बारे में। सीआरपीसी की धारा या सेक्शन 436 एंड 437 जो कि बेल से रिलेटेड हैं उनके बारे में जानेंगे। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हम पहले जान चुके हैं, जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले बात करते हैं फर्स्ट केस के बारे में, जो है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि बेल इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेट अ पर्सन फ्री हु इज़ अंडर अरेस्ट और डिटेंशन बाय टेकिंग सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। भाई बेल प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या कि आप जो हैं आपको को कस्टडी से इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि आप इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि जब कभी भी आपकी अपीयरेंस की जाएगी, हाजिरी सुनिश्चित की जाएगी, आप आएंगे, भागेंगे नहीं। और जो व्यक्ति आपकी बेल ले रहा होता है तो कस्टडी ट्रांसफ़र हो रही होती है, बेल सेक्शंस में पढ़ाया है, रिवाइज कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या, बेल कवर्स बोथ रिलीज ऑन वंस ओन बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज़। तो आपको पता है विद या विदाउट श्योरिटीज़ आप बेल अपनी ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि प्रिंसिपल्स अंडरलाइनिंग द प्रिंस रिलीज ऑन बेल इज दैट, क्या प्रिंसिपल है बेल के पीछे का, दैट अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान अगर हमने उसको जेल में रखा और फर्ज कीजिए एट द एंड ही इज इनोसेंट, तो भाई उसकी लिबर्टी तो भंग हुई है ना, आर्टिकल्स तो आपने उसके वॉलेट कर दिए महोदय। तो दैट्स वाई ये प्रिजम्पशन कि वो इनोसेंट है, यही चीज़ बेल का प्रिंसिपल है। सेकेंड पॉइंट कहा गया, बेल इज कंसीडर्ड टू बी कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ द कोर्ट। कंस्ट्रक्टिव कस्टडी किस केस में कहा गया, यह बात ध्यान रखिएगा, सुनील फूलचंद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। थर्ड इम्पॉर्टेंट केसेस, प्रसाद श्रीकांत पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018। क्या कहता है, कोर्ट ग्रांटिंग बेल शुड एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिएशन इन अ जुडिशियस मैनर एंड नॉट एज अ मैटर ऑफ कोर्स। जब कभी भी कोर्ट आपको बेल ग्रांट करेगी तो ये बात समझिएगा कि जिन मामलों में बेल राइट है वहाँ तो ठीक है, पर जिन मामलों में बेल डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, मर्सी ऑफ द कोर्ट पे है, ये उसको लेकर के बात कर रहा है कि आप वहाँ पे जुडिशियस मैनर अपनाएंगे, ठीक है, पर्सनल नहीं होंगे, जर्नल मैटर के रूप में नहीं लेंगे, आप एक जुडिशियल वे में एक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, फैक्टर कोर्ट शुड कंसिडर्ड बिफोर गेटिंग ट्रायल। तो भाई देखिए इसकी एक लंबी सूची है हमारे पास कि कोर्ट जो है ड्यूरिंग द ट्रायल्स किन फैक्टर्स पर फोकस करेगी, कंसीडर करेगी, ये आपको जानने को मिल सकता है अगर आप एक कोर्स है 499 में सीआरपीसी को लेकर स्पेसिफिक 30-35 लेक्चर्स कंप्लीट सीआरपीसी विद द केस लॉस पोस्टमार्टम ऑफ वेयर एट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो आपको ये सब कुछ जो बेहतरीन चीज़ें जो कि आपकी एडवोकेसी में भी काम आ सकती हैं वो इस कोर्स में मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फैक्टर्स हैं वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा क्योंकि बहुत लंबी सूची है और ये एक क्या है, एक शॉर्ट वीडियो टाइप में है, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सुधा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस में क्या कहा गया कि जब कभी भी आप बेल ग्रांट करेंगे, पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं, इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ द बेल ऑन द विटनेस और द विक्टिम्स इन अ क्रिमिनल केस। तो ये जस्टिस महोदय या फिर मजिस्ट्रेट महोदय या फिर कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जब कभी भी बेल ग्रांट करेंगे आप तो उसका इम्पैक्ट भी कंसीडर करेंगे, इसीलिए आप बेल ऑर्डर्स में लिखा हुआ पाएंगे कि बेल अगर रिजेक्ट किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि भाई इनकी बेल दे देने से समाज में गलत मैसेज जाएगा, अपराध बढ़ेंगे, इस प्रकार के जो भी पर्टिकुलर ऑफेंस होते हैं, इसलिए इनकी बेल हम खारिज करते हैं। तो ये चीज़ आप समझिए कि बेल जो होता है उसका इम्पैक्ट विटनेस विक्टिम्स पर क्या पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज अर्नब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 लेटेस्ट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि हाई कोर्ट्स
कैन ग्रांट द बेल इवन इन अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 में अगर आप हाईकोर्ट के सामने रिट पिटीशन लेकर के आए हैं तो भले आपकी बेल एप्लीकेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, आप रिट पिटीशन के फॉर्मेट में आए हो, तब भी हाईकोर्ट कैन ग्रांट. ये लैंडमार्क केस है, इसको नोट कीजिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मोहम्मद नवाज खान 2021. एकदम नया नया फ्रेश है. बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एन अक्यूज अंडर NDPS एक्ट. आपको पता है NDPS एक्ट में भैया ऐसे तो बेल नहीं मिलती है ईजली. तो बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू द अक्यूज अंडर NDPS एक्ट मेयरली ऑन अ फाइंडिंग द ऑप्शन ऑफ पोजिशन ऑफ द कॉन्ट्रावेंड ऑन द पर्सन ऑफ द अक्यूज. केवल मेरे कब्जे में नहीं थी सर इन अ पर्सन, मतलब मेरे पर्सनल कब्जे में नहीं थी, मेरे पॉकेट में नहीं थी, मेरी गाड़ी में नहीं थी. ये फाइंडिंग अगर केस में है तो ये आधार नहीं है कि आपको NDPS में बेल दे दिया जाए. ठीक है, क्योंकि इस टाइम NDPS में बेल नहीं दी जा रही, ये बात ध्यान रखिएगा, ये वगैरह चल रहा है. तो इस आधार पर केवल आप ये नहीं कहेंगे सर मेरे तो कब्जे में मिली नहीं, मेरी पॉकेट में तो थी ही नहीं. इतनी जल्दी नहीं, डिस्क्रिएशन है. ये सिर्फ पर्टिकुलर इस ग्राउंड पे आपको बेल नहीं मिल सकती है. नेक्स्ट इज महादेव मीना वर्सेस प्रवीण राठौर 2021. ये भी एकदम नया नया केस. क्या कहता है, रोल ऑफ द अटैच्ड टू द अक्यूज्ड हैज टू बी कंसिडर्ड वेयर डिसाइडिंग द प्ली सीकिंग बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ द पैरिटी. अब जो लोग एडवोकेसी से हैं वो तो पैरिटी जानते हैं, जो एडवोकेसी से नहीं है वो पैरिटी नहीं जानते हैं. तो जो लोग जानते हैं वो पैरिटी ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लोग नहीं जानते वो ढूंढिएगा बेल ऑन द पैरिटी क्या चीज़ होती है. ठीक है, और नहीं आता तो एक चीज़ आपको पता है, क्या ज्वाइन करना है कोर्स, कौन सा वाला 499, किस सब्जेक्ट का, CRPC का. तो भाई समझिए, अगर आप पैरिटी पे कोई बेल दे रहे हो तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जिस बंदे की बात आप पैरिटी पर लेने की कर रहे हैं बेल की, उसका रोल इन द ऑफेंस क्या है. हमेशा पैरिटी पे बेल नहीं मिल जाएगी, आप डिमांड कर सकते हो. ठीक है, कि जजेस नहीं देते हैं भाई, क्या पैरिटी पे बेल लेने आए हो. ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है द सीरियसनेस एंड द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम अलीज हैज टू बी कंसिडर्ड ग्रांटिंग बेल टू द अक्यूज्ड. तो आपको सीरियसनेस एज वेल एज ग्रेविटी इन दैट पर्टिकुलर केस देखना पड़ेगा आंख बंद करके, जिसे शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं आंख मूंद के, आप पैरिटी पर बेल नहीं देंगे. ठीक है, लास्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें लिखा रहता है थैंक यू. सो आपको थैंक यू. इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिएगा ताकि लोग CRPC के प्रोविजंस को समझ पाएँ, अपने अधिकारों को समझें, और कहीं भी इलीगैलिटी आर्बिट्री एक्शंस जो कि लॉ को वायलेट करता हो ऐसा कुछ ना होने पाए. चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में.